अस्सलामु अलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक कॉर्नर डिज़ाइन बना के कम्प्लीट करके दिखाऊंगी, तो फ्रेंड्स मेरी एक कॉर्नर की डिज़ाइन कम्प्लीट हो चुकी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डिज़ाइन। फ्रेंड्स, मैं इसकी पूरी वीडियो आपको बहुत जल्द ही इसकी बेडशीट पूरी रेडी करके आपको दिखाऊंगी। तो मैंने इसमें फ्लावर कैसे किया है मैं उसको बताऊंगी आपको। और फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगी कि आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी हर डिज़ाइन को देख सकें, जिससे क्या है आप हमारी पूरी डिज़ाइन को देख पाएंगे। मैं ड्रॉ करके भी डालती हूँ, उसके बाद पेंटिंग करके भी डालती हूँ, उसके बाद पूरी बेडशीट की भी डिज़ाइन तैयार करके डालती हूँ। मैं सारी ड्राइंग से लेके पेंटिंग तक और कंप्लीट होने के बाद तक की वीडियो में डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी सारी वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले लीफ से स्टार्ट करूँगी बताना। तो इसमें मैंने कलर लिया हुआ है, लीफ के लिए मैंने 3 कलर लिया हुआ है। सैप ग्रीन लिया हुआ है और मैंने फैब्रिक क्रिल का कलर लिया हुआ है, फैब्रिक पेंट फैब्रिक क्रिल है और फैब्रिक क्रिल एक्रेलिक कलर। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2 नंबर फ्लैट ब्रश लिया हुआ है और आप ये देख सकते हैं जो मैं इस समय कलर लगा रही हूँ ये हमारा सैप ग्रीन है। और मैं इसमें 2 कलर का शेड दूंगी, एक तरकस ब्लू का और दूसरा वाइट का। मैंने लीफ में 3 कलर का ऐड किया हुआ है। तो हमें इस तरह से कुछ लगाना है, पहले ग्रीन कलर को पूरी लीफ में भर लेना है इस तरह से, और हमारी लीफ सूखनी नहीं चाहिए, इस तरह की भींगी हुई हो उस पर हमें दोबारा से शेड करना है। उस पर हम दोबारा से दूसरे कलर का शेड देंगे। तो इस तरह से हमें बीच से आउटलाइनिंग करनी है सीधी सी, फिर हमें एक तरफ का शेड तरकस ब्लू से देना है, फिर उसके अपोजिट हमें ऊपर की तरफ से तरकस ब्लू का शेड नीचे की साइड की तरफ देना है, और दूसरा फिर हमें जो हमने नीचे तरफ से तरकस ब्लू का शेड दिया हुआ है वाइट कलर का जो ऊपर से दिया है वो नीचे से वाइट कलर लगाएंगे। और यहाँ जहाँ से मैंने नीचे से तरकस ब्लू लगाया है उसके ऊपर हम यहाँ से वाइट लगाएंगे जो कि मैं अभी लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमारा अपोजिट शेड रहेगा दोनों कलर का। इस तरह से हमें अपनी लीफ बनानी है। तो आप देख सकते हैं हमारी लीफ तैयार हो चुकी है और मैंने आपको एक कॉर्नर की डिज़ाइन भी कम्प्लीट करके दिखा दी है और मैं आपको बनाना बता रही हूँ। तो इस तरह से हमारी लीफ बनेगी और फ्लावर भी मैंने पिल्लो कवर का भी डिज़ाइन मैंने आपको बना के दिखा दिया था। अभी मैं आपको बेडशीट का फ्लावर पूरा बड़ा वाला फ्लावर बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए और भी अच्छी सी प्यारी सी डिज़ाइन लाऊंगी। और फ्रेंड्स, आपको अगर ये डिज़ाइन चाहिए तो आप इसे मंगवा सकते हैं अपने घर पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि हम फ्लावर को किस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से हमें रेड कलर लेना है। अब इस तरह से रेड कलर ले लो और फ्लावर के लिए हमें ऑरेंज और रेड, और पहला हमें रेंज रेड कलर लेना है और दूसरा हमारा ऑरेंज कलर और तीसरा हमारा मरून कलर। हम इसमें 3 कलर का फ्लावर में शेड देंगे और बीच वाले जो हमारी बीच वाली फ्लावर की लीफ है सारी उसमें हम वाइट कलर का भी मिक्स करेंगे। तो हमें फ्लावर में पूरे 4 कलर ऐड करने हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने रेड कलर का पूरा लीफ में भर लिया हुआ है। अभी ये मैं मरून कलर का नीचे से शेड दे रही हूँ। इस तरह से हमारे किनारे की जितने भी सारी फ्लावर की जितनी भी किनारे की लीफ उसमें हमें इस तरह से रेड कलर भरने के बाद मरून कलर का शेड देना है और ऊपर से कुछ थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए, अभी मैं दिखाई हूँ आपको, थोड़ी सी जगह छोड़ के हमें रेड कलर भरना है और उसी में हमें ऑरेंज कलर भर के रेड कलर में मिक्स कर देना है। उसका हमें अच्छे से रफ करके पूरा मिक्स करना है ताकि हमारा उसमें रेड कलर में ऑरेंज कलर मिक्स हो जाए।
तो आप देख सकते हैं इस तरह से, आप समझ सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं एक लीफ हमारी तैयार हुई है और कितनी खूबसूरत सी लीफ तैयार है। तो इस तरह से हमें सारी किनारे की जो हमारी लीफ है फ्लावर की, हमें इसी तरह से अच्छे से कलर करनी है और बनानी है। तो फ्रेंड्स, आप अपने कलर को जहाँ भी जिस लीफ में भी भरते हो उसको अच्छे से रफ़ करो, ताकि हमारे जो बेडशीट है वो अच्छे से कलर को अपने कलर में घुल कलर बेडशीट में अच्छे से घुल जाए, ताकि वो निकलने का कोई वो ना हो। अगर आप ऊपर ऊपर से लगाएंगे तो कलर निकलने का चांस रहता है। तो हम इसी तरह सारी लीफ को करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मरून कलर नीचे से लगाया है, अब ऊपर से मैं ऑरेंज कलर का शेड दूंगी इस तरह से। ये हमारा ऑरेंज कलर है, इस तरह से हम मिक्स करेंगे। जब तक कि लगे हमारा कलर मिक्स नहीं हुआ है, हमें अच्छे से रफ करना है और कलर को अच्छे से मिक्स करना है। तो हमारा यहाँ आप देख सकते हैं, अब मैं आपको बीज का हिस्सा बनाने बताऊंगी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो हमारी बीज की सारी लीफ है उसमें हमने पहले रेड कलर इस तरह से भरना है। सेम वही कलर हमें करना है, सिर्फ हमें जो हमने जहाँ ऑरेंज कलर का शेड दिया था वहाँ पर हमें वाइट कलर का शेड देना है। तो आप देख सकते हैं हमने रेड कलर भरा और यहाँ नीचे से मैं मरून कलर का शेड दूंगी इस तरह से, और हमें अच्छे से रफ करके अपने कलर को मिक्स करना है, नहीं तो क्या है सूखने के बाद हमारा जो हमने कलर किया हुआ है वो अच्छा नहीं दिखता है। तो इसके लिए हमें उसे अच्छी तरह से रफ करते हुए मिक्स करना है। तो हमें इस तरह से वाइट कलर का भी शेड देना है, और जितनी भी हमारी अंदर की फ्लावर की लीफ है हमें इसी तरह से अच्छे से बनानी है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक लीफ आपको तैयार करके दिखा दी है, बस इसी तरह से हमें सारी लीफ बनानी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो के नीचे आपको नंबर दिया गया है, जब आप वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो वहीं पे नंबर दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन चाहिए तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें और आप अपने घर बैठे डिज़ाइन मंगवा सकते हैं और अपनी बेडशीट पे बना के कलर भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आपको आपकी मनचाही डिज़ाइन मिल जाएगी, आप चाहे जो भी डिज़ाइन मंगवा सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो में से कोई भी डिज़ाइन पसंद आती है, अगर मंगवाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए और अपनी मनचाही डिज़ाइन मंगवाइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें और समझें कि किस तरह से हमें डिज़ाइन कलर करनी है और बनानी है। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हमें लास्ट का कैसे करना है, बीच का कैसे करना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। और अगर आप आधी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसके लिए आप कोशिश करें कि आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अच्छी लगे हमारी वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, मैं आती रहूँगी आपके लिए और अच्छी सी प्यारी सी डिज़ाइन लेके। और आपको बताऊँगी और भी अच्छी अच्छी डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारी लीफ लगभग भर ली है, और हमें लास्ट में जो हमारा यू शेप है हमें लास्ट में वो भरना है। पहले हम ऊपर का ही सब कर लेंगे, उसके बाद आखिर में जो हमारे बीच का हिस्सा है आखिर में करेंगे यू शेप का सबसे लास्ट में, क्योंकि हम स्टार्टिंग भी वहीं से करते हैं जब ड्राइंग करते हैं, तो लास्ट में हमें उसी को पूरा करना है। अगर आप इस तरह से कलर करते पेंटिंग करते रहेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि हम लास्ट में जो हम स्टार्ट करते हैं वो लास्ट में क्यों कलर करते हैं, क्योंकि उससे फिनिशिंग आ जाती है हमारे फ्लावर में और आसानी भी होती है हमें पेंटिंग करने में। तो इस तरह इसलिए हम जो हमारा जहाँ से हम स्टार्टिंग ड्राइंग का जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसको आखिर में कलर करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप यहाँ पे हम जो मरून कलर का शेड नीचे से दे रहे थे वो बीच में मिक्स करेंगे, और जो हमारे फ्लावर के बीच का यू शेप है
जहाँ से यूसुफ की गुलाई है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इस तरह से ले आके वहाँ पर मिक्स कर देंगे इस तरह से। ये हो गया। अब इधर का मैं भर के आपको दिखाती हूँ। यहाँ हम रेड कलर का भरने के बाद जो है हम बीच में लगाएंगे मरून कलर, थोड़ा सा, बहुत हल्का सा लगा के हमें उसमें रफ़ कर देना है। और आप नीचे के साइड थोड़ा सा ऑरेंज कलर लगा के मिक्स कर लें तो आपका थोड़ा लाइट हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा। फिर ऊपर के साइड वाइट का लगा देना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो तो, और हमारी पेंटिंग और हमारी पेंट की हुई पूरी डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर आऊँगी मैं आपके लिए एक और अच्छी सी डिज़ाइन लेके। इंशाल्लाह आपको ये भी डिज़ाइन बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।